हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 का ही प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 2 पर 2/3 की घात इंटू, या है फिर यहाँ पर हम गुणा लगा सकते हैं, 2 पर 1/5 की घात। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में नीचे की संख्या क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जैसे यदि हम 2 पर 2/3 की घात लगाएं तो यहाँ पर 2 क्या होगा, आधार होगा। 2 क्या होगा, आधार, और 2/3 जो है ये क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आधार कितना होगा, 2 होगा, और घात 2/3। इसी प्रकार से इसमें भी आधार 2 होगा, घात 1/5। यदि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधार 11 होगा और घात 1/2 होगी। आधार 11 होगा, घात कितनी होगी, 1/4। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में आधार 7 होगा और 1/2। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी घात होती है और जो नीचे संख्या होती है वो आधार होता है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आधार समान है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आधार समान है तो यहाँ पर गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आधार को हम एक ही बार लिख दें और घातों को क्या कर दें, जोड़ दें। 2/3 प्लस कितना हो जाएगा, 1/5। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो आधार 2 जहाँ के तहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 और 5 का निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 का भाग करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 का भाग तो 5 में जाएगा नहीं, 5 जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम 5 का करेंगे, तो 1 जहाँ के तहाँ, 5 एकम 5। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 और 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर की संख्या है, ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखना, हमने 2 को जहाँ के तहाँ लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया। अब इसके बाद नीचे की संख्या का भाग नीचे करना है, 3 का भाग करेंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 5 15 है। तो ऊपर गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ। इसी प्रकार से यहाँ भी करना है कि ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखना है और गुणा का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद हम 5 का भाग 15 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 3 15। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 पर कितना आ जाएगा, 2 जहाँ के तहाँ लिखे हमने, 2 का गुणा 5 से होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 5 10। प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, 1 का गुणा 3 से होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे कितने हैं, 15 है, 15 हमने जहाँ के तहाँ लिखे। अब इसके बाद हम 10 और 3 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जहाँ के तहाँ लिखे, 10 और 3 कितने हो गए, 13 है, और 15/2 में लिखे जहाँ के तहाँ। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कोष्टक लगा है, 1/3 के ऊपर 3 की घात, और होल घात कितने की है, यहाँ पर 7 की है। इस घात का मतलब क्या है कि 1 के ऊपर भी 7 की घात है, और यहाँ पर 3 के ऊपर 3 की घात पहले से है और 7 की घात भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग घातें लगा लेंगे, 1 के ऊपर 7 की घात लगाएंगे बट्टे का चिन्ह, और 3 के ऊपर 3 की घात पहले से है और यहाँ पर हम 7 की घात लगाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कोष्टक लगाकर 7 की घात लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब भी घात के ऊपर घात होती है, जैसे यहाँ पर 3 के ऊपर 3 की घात है और 7 की घात है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 1 के ऊपर कोई भी घात हो, चाहे वो 0 की हो, 1 की हो, या 100 की हो, तो 1 के ऊपर कोई भी घात हो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। नीचे क्या होगा,
जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 7 से होगा तो 37 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1/3 के ऊपर 21 की घात, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 11/1/2 की घात / 11/1/4 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार तो इनके समान है, यहाँ पर आधार 11 है और यहाँ पर आधार कितना है, 11 है। आधार समान है लेकिन घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बटे का चिन्ह है, बटे का मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ पर जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन गुणा में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हम घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये घातें भाग में है। तो सबसे पहले आधार को हम एक ही बार लिखेंगे, आधार कितना है, 11 है। अब घात कितने की है, सबसे पहले 1/2 की है और भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान हो। तो यहाँ पर माइनस करेंगे हम 1/4 को, जो नीचे की घात है उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने 11 को जहाँ की तहाँ लिखा, 2 और 4 का यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 और 4 का यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पर 2 लिखा और 4 लिखा, तो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, तो यहाँ पर 1 जाएंगे 2 एकम 2, तो यहाँ इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। इसके बाद हम ऊपर की संख्या को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, ऊपर संख्या क्या है, 1 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 2 का भाग 4 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ऊपर हम गुणा कर देंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ 1 लिखा 1, जहाँ के तहाँ लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगाएं। इसी प्रकार से हम 4 का भाग 4 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, ऊपर हम गुणा कर देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो यहाँ पर 11/1/2 की घात हो जाएगी, 1 दूनी 2 हो जाएंगे, गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, 1 का गुणा 1 में होगा, कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसके बाद नीचे कितने लिखे हैं, 4, जहाँ के तहाँ। तो यहाँ पर 11/1/2 की घात आ जाएगी, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 बचेगा और नीचे 4 जहाँ के तहाँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11/1/4 की घात, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 7/1/2 की घात × 8/1/2 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार तो यहाँ पर अलग अलग है, एक जगह 7 है और दूसरी जगह 8 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घातें समान हैं। तो जब भी घातें समान होती हैं तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और घात को हम एक ही बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब भी घातें समान हो तो जो संख्या आधार में अलग अलग होती हैं उन आधार की संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 7 का गुणा 8 में करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × 8, और इसके बाद जो 1/2 की घात है इसको हम एक ही बार यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के ऊपर हम घात लगा देंगे। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 8 में होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 8 56, तो 56/1/2 की घात, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ये यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से हल करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न क्रमांक 3 को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इन चारों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन को नोट कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो लिखा है कि 1/3/21 की घात, इस घात को चाहें तो हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। कैसे, यदि हम इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो जो घात नीचे है प्लस की तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि 3/-21 की घात, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।